तो गाइस क्या हाल है आप लोगों का, और आज हम वापस आ चुके हैं और एक वीडियो के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और ये अनबॉक्सिंग वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कुछ चेंजेस किए हैं सेटअप में, और मैंने ये न्यू कैबिनेट लिया था जिसका नाम है एंटी स्पोर्ट्स का है ये, और इसका मॉडल नंबर है ICE 200TG, और ये अमेजोन पे काफी सस्ता मिल रहा था, डिस्काउंट में 2600 का भी मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे डाल रखा है। और हाँ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे में वीडियोस डालता रहूंगा मैं, मतलब सेटअप और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो कम ही डालता हूँ पर गेमिंग वाली जरूर डालता हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ और अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइज, ये कैबिनेट एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था जिसमें एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग हुई थी, और कार्डबोर्ड की क्वालिटी ठीक ही थी, मतलब बचाने के लिए ठीक था जितना बचा सकता है मेरे कैबिनेट को टूटने से अंदर से। और डिलीवरी भी एक ट्रक में हुई थी, जैसे अमेज़न वाले ट्रक में होती है, जो वही वाली डिलीवरी हुई थी इसमें। गाइस इसकी फाइनली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही था जैसे मैंने किया, और इसकी बॉक्सिंग की टेपिंग टूपिंग भी अच्छे से कर रखी थी कि उसके जो बट ग्लास है उसको कोई मतलब डैमेज ना पड़े, कोई शीशा ना टूट जाए उसका। ये हमने फाइनली खोल चुके हैं डब्बा, और भाई बाहर से बहुत सही दिख रहा था जब मैंने खोला था इस कैबिनेट को। भूल गया था कि मैं इसको उल्टा खोल रहा हूँ क्योंकि उसको साइडवेज करके खोलना पड़ता है और नीचे रख के, मतलब भाई खोलने में तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई बिल्कुल, मतलब इसको मैंने बस रैपिंग थोड़ी सी निकाली इसकी और साइड के बॉक्सेस के खोल दी विंडोज, उसको बस बाहर निकाल लिया और ऐसे ही भाई आसान था। वैसे तो आप ऊपर से करोगे तो ज्यादा मुश्किल होगा, साइड से करोगे तो आराम से सुर करके निकल आएगा। तो आप देख ही सकते हो कि एक मिड टावर है, तो अगर आपके पास कोई पुराना इंटेल को 2DO वाला मतलब ऐसे पुराना कोई है कैबिनेट, तो ये आपको उससे काफी बड़ा लगेगा क्योंकि कैबिनेट से काफी बड़ा होता है, क्योंकि गेमिंग के लिए होता है और गेमिंग में ज्यादा चीजें लग जाती है ग्राफिक कार्ड वगैरह। बस हम इसकी रैपिंग निकाल रहे हैं, और भाई ये रैपिंग निकालते हैं काफी मतलब सेटिस्फाइंग मूवमेंट होता है जब हम ये रैपिंग निकालते हैं, और साइड पन का जब हम स्टिकर निकालते हैं वो भी, पर वो बाद में निकालूंगा। इसके आगे हार्ड प्लास्टिक लगी हुई है और बीच में एक्स बना हुआ है जो RGB है और कंट्रोलेबल है, और कंट्रोल करने वाला बटन भी दे रखा है उसमें। हम इसके ऊपर वाले साइड आते थे हमें इसका कंट्रोल पैनल दिखता है जहाँ पर हमें कुछ बटन दे रखे हैं, मैं बटन की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। और उसी के ऊपर की तरफ हमें दिखता है एक मैग्नेटिक फिल्टर जो बहुत सही है, अपना काम अच्छे से कर देता है और सही है, मतलब जैसे भी आपको मिट्टी नहीं जाएगी तो अंदर, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं इसकी कंट्रोल पैनल की कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल राइट की तरफ हमें एक पावर स्विच मिल जाता है जिससे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने कैबिनेट को, और इसके ऊपर ही हमें मिल जाता है एक RGB बटन जिससे हम अपनी RGB की लाइट्स चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और इसका ये एडिशनल फीचर है, ये है कार्ड, इसमें आप मतलब अपने कोई भी SD कार्ड और कैमरा वाले कार्ड्स पा सकते हो और डायरेक्टली रीड कर देगा, आपको कोई कार्ड रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर ही हमें मिल जाते हैं 3 USB पोर्ट, और 2 पोर्ट जो हैं वो हैं 2.0 और एक 3.0 है, छोटा सा गोल बटन मिल जाता है हमें, इससे रिस्टार्ट होता है कैबिनेट सीधा। इसके ऊपर हमें 2 हेडफोन जैक मिल जाते हैं, एक है हेडफोन्स के लिए और साउंड के लिए, और दूसरा है माइक के लिए। और इसके टेम्पर्ड ग्लास पैनल के साथ हमें 4 स्क्रूज दे रखे हैं जो मेटेलिक फील देते हैं, पर मेटल के नहीं है पर फिर भी बहुत सही क्वालिटी के लगते हैं मेरे को, और इनको खोलना और लगाना बहुत आसान है। और अब बारी है इसके टेम्पर्ड ग्लास निकालने की। टेम्पर्ड ग्लास निकालना और लगाना बड़ा आसान है और थोड़ा हैवी भी है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है ग्लास। तो अब बात करते हैं इसके अंदर की स्पेक्स की। तो हमें सबसे बॉटम में एक PSU श्राउड मिल जाता है जिसमें हम पावर सप्लाई रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ चले तो हमें एक 120mm का RGB फैन मिल जाता है जो बढ़िया सही है, क्वालिटी में सही है, पर इसकी ये बात है कि इसकी लाइट चेंज नहीं होती है। इसके साथ ही हमें कुछ नट बोल्ट्स मिल जाते हैं जैसे हमारे खो गए तो ये काम आ जाते हैं, और इसके साथ ही कुछ वायर मिल जाती हैं जिससे हमारा कंट्रोल पैनल की वायर्स हैं इससे चलता है। इसके अंदर पूरा एक ब्लैक मैट फिनिश है जो बहुत अच्छी लुक देता है और RGB लाइटिंग को और ज्यादा सही करता है। इसमें आपको मिलता हूँ जब मैं ये असेंबल कर लूंगा पूरा PC। 3 hours later। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं और मैं सारा असेंबल कर चुका हूँ इसको, तो मैं पीछे और आगे से दोनों तरफ से दिखाया तो कैसा मैंने असेंबल किया है। और इसको असेंबल करना काफी आसान था क्योंकि काफी जगह दे रखी है वायर्स को आगे और पीछे करने के लिए। आप देख ही सकते हो काफी क्लीन मतलब सेटअप किया है मैंने, इसकी तारें जोड़ना काफी आसान था। और अगर आप क्यूरियस हो कि मेरा इसी के क्या कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, और सारी वीडियोस में होती है वैसे पर मैं डाल दूंगा। और इसमें जो होल्स हैं वो वायर्स की तरह काफी डिफरेंट साइज में दे रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कहीं से भी आप निकाल सको। और मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, और मैं आप देख ही सकते हैं कि कैसे मैंने इसकी तारें अलग अलग जगह से निकाल रखी है, और इसकी मैंने काफी अच्छी किया है मेरे ख्याल से, तो मेरे को बड़ी सही लगी इसकी जैसे भी वायरिंग मैंने सेट करी है। और बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने अपना
पावर सप्लाई रख रखा है और वो बिल्कुल सही तरीके से टिका हुआ है। वहाँ पर लेफ्ट की तरफ मेरी दो हार्ड डिस्क दिख जाती हैं क्योंकि वहाँ पर हार्ड डिस्क रखने की जगह दे रखी है और एक SSD रखने की भी जगह दे रखी है। तो गाइस ये पूरा हो चुका है और इसकी बस स्लैम लिड बंद करके इसको ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। वैसे तो बहुत ही सही लगने वाला है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं अभी बहुत सही लग रहा है और मेरी थोड़ी ग्राफिक कार्ड में भी RGB है और मेरे मदरबोर्ड में भी एक ऑरेंज लाइट की रंग है तो थोड़ा ठीक लगता है। और भाइयों मेन जो RGB लेके आता है वो एक फ़ैन है जो उसको 120mm का है अंदर और वो जो बाहर दो स्ट्रिप बनी हुई है वो बहुत सही लाइटिंग लेके आता है। आपको कोई बजट कैबिनेट चाहिए तो ये बेस्ट होगा आपके लिए क्योंकि अभी सेल में चल रहा है। इस वैल्यू में काफ़ी सही कहूँगा मैं, इसका भी मतलब बजट है इतना 3000 से नीचे वाला। तो गाइस आपको कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मेरे को कुछ भी पूछना हुआ तो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जरूर। तो गाइस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।